बच्चा है, बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, लेकिन बगैर पैसे के बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बाबा खुद पैसे खर्च करेंगे। वो क्या खर्च करेगा, उसके पास पैसे का? एक दफा सोना बन गया तो नहीं। क्या ये सरदार इसलिए होते हैं कि हमारे सीने पे लात रखकर पराई चीजें तो वापस करा दें और हमारे घर की कोई चीज चली जाए उसकी कोई फिक्र नहीं? ये कहां का इंसाफ है चाचा? और जब हमारा हमला शुरू होगा तो उसके लिए उसके बाकी मादा मुट्ठी पर सिपाही कब तक लड़ेंगे? खाकान आजम के पास रवाना कर दिया जाएगा। बिल्ली और चूहे के खेल में बड़ा मजा आता है शहजादा चुगताई। इस मामले में एक लफ्ज सुना गवारा नहीं करूंगा। इस जमीन पर कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। खून पी जाऊंगा उनका। तो मैंने जान के मारी उसकी मर्जी, क्यों उस कैदी को बना दी उसने? मैंने तो उसके साथ भलाई की कि उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया। नजर में रोज कहता है गिरफ्तार करने को। अहमद खान मेरा नाम है। खुसरों ने मेरे खौफ से खुशकी का रास्ता बदल दिया तो क्या हुआ? काफलों का समंदरों से गुजरना आराम कर दूंगा जगह सर। तो खिता गई खबर हुंदी। मुझे तो पहली कुर्बानी है, पर तू जा माय ते हर साल ही यही दगंदा हुंदा। अने हल कर बकर थी वाटे हल। तो ये मौसम धो जे पानी में पैर पुसा, कद मरणे कद जीण जो वादो कयो, ओ तो का सवा की मरी सकंदस। बाबा गाल मुझी समझ का जोर है, वो मात करके गाड़ी मोकल तो भले वनी थाने दे फरियादी थे। शाबाश बाबा, अला करे खुश हो जो। बाबा वदन जो लिहाज ईमान रखंदा, अला वहां जी इज्जत रखंदो। ओ मुंजो ख्याल है त मंगनो कराए छियो। आपकी माफी से मेरी बीवी तो वापस नहीं आ सकती। मेरा बोझ तो हल्का हो सकते हैं। गोया आप अपना बोझ भी हम पर डालने आई हैं। जहे नसीब जहे नसीब। चलिए आपने आवाज ही सुनाई, इबला दीदार कराना तो आपने मौकूफ कर रखा है। ये आजकल आप क्लब नहीं आ रहे, क्या बात है? तो जब भी शादी करो ना तो निकाह नामे का फॉर्म पढ़ लिया करो और देखा करो कि दुल्हन के वालिद का नाम क्या है और वो कहाँ है। बस मिस्टर जिना, मगर आप थोड़ी देर मैं इस इशू पर कुछ बात करना नहीं चाहता। लेकिन मिस्टर डिनशॉ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। दरअसल हम कल ही जुनैद की तरफ से निदा बेगम को नोटिस सर करवा देंगे। असल खेल तो अब शुरू होगा। एक कदम भी और बड़ा है तो गोली चला दूंगा बक्सू। दादा मैं तीन तक गिनूंगा। पीछे मुड़ के मत देखना। दादा दो आजा, तीन। मैं कहता हूँ रुक जाओ बक्सू। हमारे बाप ने फरमाया था, कोट छूट जाने से तन मन दीन बदल जाता है। जब रास्ता ही कोट से निकल गया तो उस पर चलाने वाले क्या वफाई करेंगे। मैंने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं। तुम्हारी इत्तला के लिए कर दूं, मैं एक बच्चे का नहीं पांच बच्चों का बाप हूं।